जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरे 9000 सब्सक्राइबर होने में तकरीबन 30 सब्सक्राइबर रहेंगे, तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, आज जी ऑफ डे हमारा, छुट्टी का दिन। पता छुट्टी का दिन जैसे होता है तो परदेसियों के लिए और हमारे लिए, तो हमें मशीन लगानी होती है, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो यूनिफॉर्म और हमारे कपड़े शपड़े होते हैं वो हमने जो है धोने होते हैं। और आपको पता संडे का दिन, तो जिसके हमें 7-8 हज़ार बंदा हो, तो उसमें वॉशिंग मशीन भी जल्दी से हमें नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से तलाश करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है सबको। फिर अपना सम टाइम तो एक एक दो दो बंदों ने अपने अपने कपड़े मशीन के ऊपर रखे होते हैं, कभी इसके बाद मेरी बारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, एक भाई ने मुझे बताया, बुलाया, कहते यार सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं मेरे कपड़े वॉशिंग होने में, जस्ट जो है आप 2 मिनट बाद अपने आप जो है कपड़े अपनी मेरी मशीन में आप लोग डाल लीजिएगा। खैर मशीन तो यहाँ कोई भी किसी के नहीं, जिसने कॉइन डाला है उसी के कपड़े सिर्फ यहाँ पे धुलेंगे। यहाँ जितने भी मशीन हैं सब की सब तमाम के तमाम कॉइन ऑपरेटेड मशीन, जैसे कि आपको यहाँ नंबरिंग नज़र आ रही है, तो ये टाइमर यहाँ चलता रहता है, तो टाइमर लगा होता है, 1 दिरहम के 25 मिनट्स हैं, फिर 2 के 34 है, फिर इस तरह 3 के 45 मिनट्स हैं। ये देखिए ये मशीन कैसे चल रही, जैसे इसमें पता नहीं कोई जिन आ गए हों, जिन की चुड़ैल आ गई हो। असल इसमें कपड़े कम है तो इसलिए ड्रायर जो है ना इतना रखा नहीं हुआ, इसलिए मशीन घूम रही। चलिए ये हैं जी, भाई ने अपने कपड़े निकाल लिए हैं और अब जो है हम अपने कपड़े डालेंगे ऐसे ऐसे। ये मास्क, ये स्लीव डाली हैं, और फिर कैप, और फिर ये हमारा ट्राउज़र है। असल में एक पहले से मैंने तरफ में भिगो के रखे हुए ताकि अच्छी तरह कपड़े जो है हमारे साफ़ हो जाए। पानी तो यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो पानी गर्म डालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमने कॉइन डाला, पहले कॉइन हमारा रिटर्न आ गया, फिर दोबारा हमने कॉइन डाला, और ये फिर जो है ये जो डिजिट्स हैं ये पहले उल्टी गिनती गिनना शुरू होंगे, ये 20 से फिर ये 1 तक आएगा, और फिर उसके बाद 25 से अप टाउन ये मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये सर्फ हमने डाल दिया था और ये मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, तो फिर ये सर्फ में झाग वगैरह बनना शुरू हो जाएगी, जो भी है। खैर कपड़े हमारे धुलना स्टार्ट हो गए हैं, अभी 25 मिनट्स आ रहे हैं। आफ्टर 25 मिनट्स ये अपने आप वॉशिंग करके ऑटोमेटिक धो के सब ड्राई वगैरह करके जो है हमें ये मशीन दोबारा हमें कपड़े में हमारे वापस मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कहा चले अभी इतना आधा घंटा है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, ज़ोर का टाइम हो गया था। तो ये है जी हमारे कैंप की मस्जिद, माशाल्लाह से छोटी मस्जिद है लेकिन अच्छी मस्जिद है, और ये कैंप का हमारा वजू खाना जैसे कि देख रहे हैं, और ये कैंप की मस्जिद है अंदर। तो जमात तो खैर हो चुकी है, जमात से तो हम लोग लेट हो गए हैं, तो नमाज़ वगैरह जो है हमने पढ़ी है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जी मैं गया हूँ जी दोबारा लॉन्ड्री जब गया हूँ तो हमारे कपड़े जो है वो आखिरी मराहल में थे, धुल रहे थे, तकरीबन लास्ट जो है 2 मिनट्स रह गए थे। और ये देखें, चक्कर खाते खाते जो है कपड़ों को भी चक्कर आ गए हैं, और ये मशीन भी हमारी रुक गई है। अब 1 मिनट के बाद जो है ना, बल्कि जब 1 मिनट रहता है समटाइम उस वक्त भी ये डोर ओपन हो जाता है। समटाइम अगर मशीन जब ट्रेडिंग प्रोसेस चल रही होती है तो ये डोर जो है इसका ये ओपन नहीं होता, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। चलिए कपड़े हमने सब निकाल लिए, तो यहाँ ये आपने कपड़े अच्छी तरह से निकालने को चीज़ें जो रह गए, जो समझो जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा वो फेंक देगा आपके कपड़े। और ये एक हमारी तुलसी की सुपारी, ये भी बीच में धुल गई, पता नहीं लगा कहाँ किस पॉकेट में ये जो है रह गई थी। सारे कपड़े हमने बाल्टी में डाल लिए हैं, बाल्टी में डालने के बाद अब चलते हैं जी अपने रूम की तरफ। और ये हम गए लिफ्ट की तरफ से, ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया, और लो जी हम लोग जा रहे हैं जी अपने रूम की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे। और जी हमारे सामने से एक भाई आ रहा था, ये भी अपने कपड़े धोने के लिए जा रहा था। हम लोग जा रहे हैं जी अब रूम की तरफ, रूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह जो भी हैं उसको हम सब हैंग करके जो है उसको मैं रखता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, सब ड्राई हो चुके थे ड्रायर, तो ये अभी चंद 1-2 घंटे में जो है सूख जाएंगे। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे यार धूप में नहीं सुखाया, तो भाई यहाँ पे ना चोरी बहुत ज़्यादा होती है कि हमें हमारे जो है वो चीज़ें वगैरह उठा लेते हैं। अच्छा इसके बाद भूख लगी यार, मैं कह चलो खाना खाते हैं, ये फ्रिज में अपने को फूड रखा हुआ था, तो अफसोस लेकिन जब मैं देखने गया तो मेरा फूड चोरी हो गया था, पता नहीं किसने उठा लिया, मुझे नहीं मेरा फूड में नहीं मिला। ये जो काले जो है ना ये बड़े वो हैं, और ये हर किसी का खाना चुरा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। खैर ऐसा मेरे साथ दूसरे पहुँच हुए, लेकिन अब आगे से एहतियात बरतूँगा।
जी खाना तो खैर हमारा चोरी हो गया, खाना तो खाना है। तो जी कैंप से बाहर फिर हम चले गए जी खाना लेने, भूख काफ़ी लग रही थी क्योंकि सुबह से यार मशीन वगैरह लगाई है, कोई काम शाम किए हमने, तो इसलिए मालूम है हमारे कैंप के सामने ये एक मलवारी का होटल है, यहाँ पे जो है इवनिंग में ये फास्ट फूड वगैरह लगाते हैं काफ़ी सारे, इसमें बॉयल अंडे, समोसे, पकौड़े, इसमें चिप्स, नमक पारे, दही बड़े, चना चाट और रोल, और मतलब इस तरह की तमाम आइटम जो हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद होती हैं। अच्छा जी यहाँ से हमने खाना लिया, अपना पेमेंट किए, रोटी ली है, रोटी लेके लिए अब हम लोग जा रहे जी अपने रूम में, दोबारा बैठ कर सकते हैं उनसे खाना खाएंगे। यहाँ पे हमने जी दोबारा अपने तो आते यहाँ पे एग्जिट और एंट्री पे हमें जो है सॉरी एवरी टाइम हमें अपना टीजी कार्ड चेक कराना होता है, उसके बगैर आप नहीं आ सकते। तो एग्जिट और एंट्री पे टीजी कार्ड चेक करें, यहाँ पे गार्ड्स की लाइन लगी हुई है, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है जो भी उनका टास्क है। तो जी ये अब हम लोग जा रहे हैं जी अपने बेडरूम की तरफ बैठ के, ये खाने की हमने की ओपनिंग करके, और जी हमने खाना खाया और अपनी भूख मिटाई है, और नेक्स्ट पे चलते हैं जी आगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था यार मेरा लॉन्ड्री का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा यूनिफॉर्म नहीं आ रहा था, तो तकरीबन मेरा एक यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में दोबारा फंस गया था, तो उसका उसी के प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए मैंने पूरे 15 दिन इंतज़ार किया और रोज़ चक्कर लगाया, लेकिन एट द एंड उन्होंने मुझे कहा जी आज जब ऑफ टाइम होगा तो आप आइए, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं आपका। तो जी अब जब 10 बजे लॉन्ड्री का टाइम ऑफ होता है, तो फिर लॉन्ड्री का टाइम ऑफ होने से पहले मैं आ गया था, भाई ने कहा यार आप बैठ जाइए टाइम बस। अच्छा यार पिछले दिनों सॉरी को रश बहुत था, एटीएम मशीनों पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई, तो इसलिए यार मैं एटीएम से पैसे नहीं निकाल सका। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे जब ड्यूटी पे जाने से पहले मैं गया, तो देखा तो मशीन पर कोई भी मौजूद नहीं था, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तो मैं कहा यार चले कैश तो निकलवाना है, तो फिर कैश तो निकलवाना, ये हमने तो भाई कैश ही हमने निकाला जी, 1000 दिरहम पर क्लिक किया, और ये किया जी को ग्रीन पर हमें, क्योंकि रिसिप्ट नहीं चाहिए, जो मोबाइल में ऐप है उसे मालूम हो जाता है कि कितना आपका कैश रह गया कितना नहीं रह गया जो भी है। तो ये भी मशीन पाकिस्तानी की तरह ही है, कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में, ये दुबई इस्लामिक बैंक की जो है वो एटीएम है, लेकिन अगर आप अदर बैंक से करते हैं तो चार्जेस तो आपको पड़ते हैं, तो वो तो हमें भी चार्जेस पड़े, लेकिन क्या ये सुकून है। और ये आगे जी कैश सैलरी आने का बस इंतजार होता है, लेकिन जब जाने का कुछ पता नहीं, सेकेंडों में सैलरी चली जाती है। ओके जी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।